हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक। बच्चों ओपन पेज नंबर 77, यूनिट 10, परसेंटेज। तो बच्चों आज हम इसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं सीखेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस। इस फ्रैक्शन फॉर्म को हमें परसेंटेज फॉर्म में करना है, बहुत सिंपल होता है। जब आपको ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म दे दी होती है तो आपको इसे सिंपली 100% से मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई किया, देन हम इसको 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 5 2 10 और एक 0 हमारा बच जाता है दिस। तो अब 3 और 20 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60% हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4/25, इसमें भी हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 25 अप और 100, तो इसको हमने पहले 5 से 25 होते हैं तो 5 किया, देन इसको 20, देन इसको दोबारा हमने 5 4 से 20 करा तो ये 4 4 से 16% हमारा आ गया। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन फॉर्म। अभी तो हमने उसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट किया था परसेंटेज फॉर्म में, अब इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। अभी पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया था 100 को, अब हम इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 36 को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो जब इसका आया हमारा 30, इसको 2 टेबल्स हम काट सकते हैं, 2 5 10 तो इधर 0, देन इधर 1 और यहाँ पर एक बच जाता है कैरी, तो यहाँ लग जाएगा इट्स 18। तो अब 18 को काटेंगे 9 जा कट जाएगा, 50 को काटेंगे 25 जा कट जाएगा, तो इट्स 9/25। क्वेश्चन नंबर 2 है 52%। अब इसको हमने सिंपल क्या डिवाइड करेंगे था 100 से, 52/100, देन इसको हमने डिवाइड किया 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा आ जाएगा 13/, ये गलत है, यहाँ पे आएंगे अब 52/100, देन इसको डिवाइड किया 2 से तो इट्स 2 2 4 प्लस यहाँ पर एक बच जाएगा 1, क्योंकि 2 2 4 होते हैं, 1 बचेगा, 5 है यहाँ पे, वो इसके आगे लग जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 और 2 6 12 तो 6 और इधर यहाँ पे 5 2 5 10 होते हैं, देन 0। अब इसको हम करेंगे तो ये 1 और 6 1 और 3 और ये 25, तो ये हमारा हो गया। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आएंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू परसेंटेजेस। इसमें आपको इन डेसिमल फॉर्म को परसेंटेजेस में करना है। बच्चों सबका मेथड वही होता है, अगर परसेंटेज में लाना होता है हमको इसको 100% से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 0.8 को जब हमने 100% से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 80%। इसी तरह से बी पार्ट इसका जो है उसमें 0.15 को 0.15 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 15%। नाउ डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस टू डेसिमल्स। नाउ अब देखिए वही चीज पहले इन्होंने हमसे कहा था, देन अब भी यही चीज पर हम आ गए। पहले इन्होंने हमसे कहा कि डेसिमल को परसेंटेज बनाओ, हमने बना दिया, अब इन्होंने कहा है परसेंटेज को फिर से डेसिमल बनाओ। तरीका वही रहेगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, हमने 100 से डिवाइड किया। तो बच्चों डेसिमल्स वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी नंबर के नीचे 2 जीरोज होते हैं तो हम उसको यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं, 2 के आगे डेसिमल, 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल लगा देते हैं, तो ये 0.19 हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें पहले से ही हमको एक डेसिमल दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी नीचे हमने जो है, क्योंकि हमारे नीचे 2 जीरो आ गए हैं तो इसीलिए हम डेसिमल को दोबारा, ये जीरो देखो बच्चों हमने ये डेसिमल हटाया क्योंकि डेसिमल जीरो की वजह से ही आता है, और एक और यहाँ पर जीरो लगा दिया, अब ये 3 जीरो हो गए, अब इस डेसिमल को यहाँ पर आ गया तो 3 डिजिट के बाद जाना पड़ेगा, इट्स 2। डोंट बी कंफ्यूज, लेट देखो हमारा था 43.2/100 डिवाइड करना था, अब हमारे 2 जीरो और आ गए तो इस डेसिमल को 2 जीरो से और खिसका देंगे तो जाएगा 0.432। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है, इस परसेंटेज को इस 40% ऑफ 80, मतलब ये 40% 80 का है तो कितने बैठेंगे होंगे, पहले हम इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो 40/100 हो जाएगा, और इसकी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, देन 0 से 0 कैंसिल एंड दिस 0 कैंसिल 0, तो 4 8 32, सिंपल। इसी तरह से बी पार्ट हम करेंगे 13/100 एंड 130 को करेंगे तो 0 0 8 13/10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली जैसे हमने भी किया था वैसे ही हम करेंगे इसको, देन क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो सेम, 20/100 ऑफ 240।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं. व्हाट इज द नंबर हुज 10% इज 18. तो इसको करने का एक हमारा मेथड है. पहले हम इसको परसेंटेज फॉर्म से बाहर निकालेंगे, तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/10 आ जाएगा. तो द नंबर इज 18. 18 नंबर का निकालना है तो 18 को डिवाइड कर देंगे इस नंबर से. बच्चों जब कभी ऐसे डिविजन आ जाता है फ्रैक्शनल फॉर्म में तो इसको मल्टीप्लीकेशन बना सकते हैं. कैसे? इन दोनों को इंटरचेंज करके, मतलब 18 मल्टीप्लाई इनको इंटरचेंज कर दो, 1 को नीचे ले आओ, 10 को ऊपर ले आओ, इट्स लाइक दिस. तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हमने सिंपल कर दिया, 1 की तो कोई आपको नीचे वैल्यू नहीं होती, देन इट्स 182. इसी तरह से आपका बी पार्ट है वो आपको सिंपल एज यूजुअल ऐसा ही है, तो आपको खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंटेज ऑफ 65 इज 13. द गिवन नंबर इज 65, वी नो परसेंटेज नंबर हमारा 13 है. तो हियर इज अ मेथड दैट द परसेंटेज नंबर अपॉन द नंबर. तो परसेंटेज नंबर हमारा 13 है और हमारा गिवन नंबर 65 है, इसको हमने डिवाइड किया, वी गेट 1/5 द रिक्वायर्ड परसेंटेज. परसेंटेज हमें उसकी निकालनी है तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें जब परसेंटेज मिलाना होता है तो मल्टीप्लाई, और जब हटाना होता तो डिवाइड, तो इट्स 20%. क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी पार्ट जो है बहुत सिंपल है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. अब हम आते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे. इन डेकोरेटिंग अ हाउस 1560 बल्ब्स वर यूज्ड. एक हाउस को डेकोरेट करने में इतने बल्ब्स का यूज हुआ. 15% ऑफ देम वर रेड. 15% जो थे वो उसमें रेड थे. हाउ मेनी बल्ब्स वर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस. हाउ मेनी रेड बल्ब्स, हियर इज करेक्शन, तो हाउ मेनी रेड बल्ब्स आर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस. एक घर में इतने बल्ब्स की डेकोरेशन हुई, उसमें से 15% रेड थे. उन्होंने परसेंटेज में दे दिया, हमको एक वैल्यू नहीं दी है, तो हमें बताना है कि अब उस घर में कितने रेड बल्ब्स थे. सिंपली हम इसको निकाल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टोटल नंबर ऑफ बल्ब, सो इट इज 1560. द नंबर ऑफ रेड बल्ब, तो 15% किसके थे, वो इनमें से ही तो 15% थे, इतने बल्ब थे. उन्होंने कहा 15% रेड है, तो इनमें से ही तो 15% रेड होंगे, तो 15 ऑफ 1 इसका निकालेंगे. जब मैंने आपको बताई ऑफ वाली सिचुएशन आती है, तो पहले तो इसको परसेंटेज से बाहर निकालो 15/100 करके, देन मल्टीप्लाई कर देना हमें इस नंबर से. जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारा आ गया 234. यानी कि 234 बल्ब्स आर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस. यानी कि 234 बल्ब्स हमारे डेकोरेशन के लिए यूज हुए थे, रेड बल्ब्स के. रेड बल्ब्स. ओके, सिंपल. क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ऐसा ही है. द क्लास टीचर गेव 150 टिकट्स टू सुनील. क्लास टीचर ने 150 टिकट्स सुनील को दिए. ही कुड सेल 60% ऑफ देम. वो 60% को बेच सकता है, तो हाउ मेनी टिकट्स डिड सुनील सेल. तो सुनील ने कितने टिकट बेचे. तो टोटल टिकट्स हमारे 150 थे. वो कितने बेच सकता था, 60% किस में से, 150 के तो 60% बेच सकता था. तो सिंपली हमने इसको एज इट इज सॉल्व किया. 60 को पहले तो परसेंटेज से बाहर निकाला, देन उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 90 आ गया. तो ही कुड सेल 90 टिकट्स. क्वेश्चन नंबर 12 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, बिकॉज़ बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आएंगे, बहुत इजी है ये भी. द वेट ऑफ अ बैग इज 30 kg. एक बैग का वेट है 30 kg है. द वेट ऑफ सूटकेस इज 30% लेस देन द वेट ऑफ द बैग. और जो सूटकेस का बैग है वो 30% कम है किसके वेट से, बैग के वेट से. सो व्हाट इज द वेट ऑफ द सूटकेस. तो हमें सूटकेस का वेट बताना है. तो वेट ऑफ बैग कितना है हमारा, 30 kg. वेट ऑफ सूटकेस लेस देन बैग, तो हमें लेस देन बैग किसके में से कम है, उस बैग के वेट में से ही तो 30% कम है. तो उसमें से हमने निकाले 30% ऑफ 30 kg, क्योंकि इसमें से ही तो कम है. हमने इसको सॉल्व किया, सम करते हैं, देन इट्स 9 kg. लेकिन ये तो ये आया कि इतना कम है. अब हमें बताना है कि सूटकेस का वेट कितना है. ये तो आ गया कि 9 kg कम है इसमें से, बैग के वेट में से 9 kg सूटकेस का वेट कम है. हमें बताना है सूटकेस का वेट कितना है. तो हम कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सूटकेस जब बैग के वेट में से 9 kg कम है, तो हम बैग के वेट में से इस वेट को माइनस कर देंगे तो हमारा सूटकेस का वेट आ जाएगा. हमने इसको माइनस किया तो हमारा आ गया 21 kg. तो सूटकेस वेट इज 21 kg. क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आएंगे. देर आर 10,350 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. एक स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं. इफ ओनली 60% स्टूडेंट्स अटेंड द असेंबली, मतलब इतने स्टूडेंट्स असेंबली अटेंड करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट अटेंड द असेंबली. तो अब बताइए कौन से कितने स्टूडेंट्स असेंबली अटेंड नहीं करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता है, देन स्टूडेंट अटेंड असेंबली वो हमें पता है 60% है. 60% किसके हैं, इसके तो 60% है. तो इसको हमने 60% ऑफ इतने इसको सॉल्व किया तो 6,210. अब हमें ये तो वो स्टूडेंट्स आ गए जो असेंबली अटेंड करते हैं,
ये क्योंकि 60% कौन से दे रखे हैं जो अटेंड करते हैं, हमें बताना अटेंड कौन नहीं करते। तो इस नंबर में से हम इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने नहीं अटेंड करते। सिंपली हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, जो नहीं अटेंड करते तो हमने टोटल में से जो अटेंड करते हैं उनको माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 4140। तो 4140 स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड द अटेंडेंस। तो बच्चों हमारी ये हमारा ये जो परसेंटेज वाला चैप्टर है इसमें एक ही एक्सरसाइज थी जो कम्प्लीट हो गई है। तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।